तो अभी तक देखा कि अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, उसमें हमें इक्वेशन बनी बनाई दे रखी थी। पर कभी कभी क्या होता है कि इक्वेशंस भी हमें बनानी पड़ेगी, तो इक्वेशंस हमें डायरेक्टली एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं देगा, तो वो कुछ सेंटेंस में देगा या फिर कोई बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको बोलते हैं फॉर्मिंग इक्वेशंस, ठीक है। तो वो देखते हैं कि कैसे करते हैं, इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो इक्वेशन फॉर्मिंग का मतलब ये हो गया कि जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, जो इंग्लिश में दिया हुआ है, उसको ट्रांसफॉर्म करना मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना उस इंग्लिश स्टेटमेंट को, उसी को इक्वेशन फॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। सपोज ये एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी की बुक का है, ठीक है, क्लास 7th की बुक है। तो क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर इज 11, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सपोज हमारा नंबर, फाइंड द नंबर, तो सपोज नंबर जो है वो एक्स है, ठीक है, एक्स है नंबर। तो सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32, ठीक है। तो 3 टाइम्स का नंबर, नंबर क्या था, एक्स, ठीक है। तो 3 टाइम्स x प्लस 11 इक्वल टू 32, तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो कुछ इसमें ज्यादा नहीं था कि उस नंबर का 3 गुना करो और उसमें 11 जोड़ दो तो 32 मिलना चाहिए। तो हमने इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमने 11 को इधर ट्रांसपोज किया, तो 3x इक्वल टू 32 माइनस 11 हो गया, यानी 3x इक्वल टू 20 1 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 7 हो गया, मतलब यहाँ से 3x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21/3, तो ये 7 हो गया, तो x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सा था जिसमें हमने इक्वेशन फॉर्म किया। आगे थोड़ा सा और दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। तो सपोज नंबर एक्स है, ठीक है, ये कलर थोड़ा सा गड़बड़ है। सपोज नंबर एक्स है, सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर कितना हुआ, x/4, ठीक है, इज 3 मोर देन 7, ठीक है। तो 1/4 ऑफ द नंबर ये हुआ, ये 7 से 3 ज्यादा है, तो 7 से 3 ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना था, तो x/4 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 40, ठीक है, ये सोल्यूशन आ गया हमारा। फिर एक एग्जांपल और करते हैं इसमें। राजूज फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज, ठीक है। फाइंड राजूज एज इफ हिज फादर इज 44 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, राजू की उम्र पूछी है, ठीक है। तो राजू की उम्र सपोज किया कि राजू की उम्र एक्स है, ठीक है। तो राजू की उम्र एक्स है, तो राजू के बाप की जो उम्र है वो राजू के उम्र की 3 गुनी से 5 ज्यादा है, ठीक है। तो राजू की उम्र एक्स है, इससे 3 गुनी एज हुई 3x, उससे 5 ज्यादा की, तो वही उसके बाप की एज है और उसके बाप की एज दे रखी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। इक्वेशन फॉर्म होने के बाद इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो 3x+5 इक्वल टू 44 है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो 44 माइनस 5 हो गया, तो 3x इक्वल टू 39 हो गया, तो x इक्वल टू 13, तो राजू की उम्र 13 साल आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम, ठीक है, वो देखते हैं। सपोज हमने क्वेश्चन ए ले लिया, ए पार्ट ले लिया, एड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60, तो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो ए पार्ट करते हैं, तो एड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर सपोज हमने एक्स ले लिया, तो
एट टाइम्स नंबर, एट टाइम्स द नंबर 8x हो गया, तो उसमें 4 ऐड किया, ठीक है, तो हमें 60 मिलता है। तो इक्वेशन फॉर्म हो गई, इक्वेशन फॉर्म हो गई, तो उसको सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं था। आगे देखते हैं बी पार्ट। वन फिफ्थ ऑफ नंबर इज, वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। तो नंबर अगर एक्स ले लिया हमने, तो 1/4 कितना हो गया इसका, 1/4, x/4, ठीक है, सॉरी, वन वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर यानी नंबर का 1/5 इतना हो गया, ऑफ अ नंबर -4, ठीक है, गिव्स 3। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरह तीसरा करना हुआ हमें, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड काउंट अप 3 मोर, ठीक है, आई गेट 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई गेट 3/4 ऑफ अ नंबर, तो यानी नंबर अगर एक्स था, तो इसका 3/4 लिया, 3/4 by x हो गया, ठीक है, और इसको 3 more यानी कि इसका 3 गुना और ले लिया, ठीक है। इस मतलब क्या लिखा, इफ आई गेट, सॉरी, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड काउंट अप 3 more आई गेट 21। तो ये नंबर का हमने 3/4 ले लिया और इसको 3 बार और लिया, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 3 बार और इसको काउंट किया जो नंबर हमने लिया, ठीक है। तो थ्री बाई फोर एक्स हो गया, ये हो गया 21, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म हो गई। अगला देखते हैं डी पार्ट कैसे करेंगे। व्हेन आई सबट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। तो नंबर अगर सपोज हमने एक्स लिया, तो 11, व्हेन आई सबट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर यानी कि 2x-11 किया, तो ये 15 आ गया, तो इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। ई देखा, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्री नंबर, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस अ नंबर ऑफ द नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, देन ही फाइंड द रिजल्ट वाज 8। तो नंबर सपोज हमने एक्स ले लिया, ठीक है, तो मुन्ना क्या करता है, 3x, ठीक है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50। मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50 यानी कि 50 में से वो सब्ट्रैक्ट करता है 3x, ठीक है, तो उसको रिजल्ट 8 मिलता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस उसमें बता सकते हैं कितना है, नंबर ऑफ पेजेस क्या है, एक्स है, तो अगर इसको सॉल्व भी करना हुआ तो कितना हुआ, 50 - सॉरी 3x को इधर ले गए और 8 को इधर ले आए, ठीक है, तो 50 - 8 इक्वल टू 3x हो गया, 3x इक्वल टू 42 हो गया, तो x इक्वल टू 14 हो गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस 14 थे उसमें। फिर एफ पार्ट देखते हैं, एफ पार्ट क्या है। इवन हॉल थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ शी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम बाई 5, शी विल गेट 8, ठीक है। तो सपोज नंबर वो एक्स लेती है, ठीक है, एक्स लेती है, शी एड्स 19 टू इट, तो एक्स में वो 19 ऐड करती है, ठीक है, एंड डिवाइड द सम बाई 5, तो सम इतना आया, इसको वो 5 से डिवाइड करती है, तो उसको 8 मिलता है, ठीक है, तो कितना हो गया, एक्स प्लस 19 इक्वल टू 8 = 40, तो एक्स इक्वल टू 31 हो गया, 31 नहीं 21, ठीक है, 21 ये आंसर हो गया। फिर देखते हैं जी पार्ट। अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर, तो सपोज एक्स नंबर लेता है, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, तो 5/2 ऑफ द नंबर इतना हुआ, उसमें से वो 7 ले लेता है यानी 7 घटा लेता है, द रिजल्ट इज 11/2, ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया, ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करना भी मुश्किल काम नहीं है। तो 5/2 x इक्वल टू 11/2 प्लस 7 हो गया, इसको ऐड किया तो 7 × 14 और 11, 14 × 11 25/2 हो गया, तो 5x/2 इक्वल टू 25/2, 2 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो 5x = 25, तो x = 5, तो आंसर आ गया, ठीक है।